वेलकम टू ऐसे क्लासेस। आज हम हैं OCSSC यानी कि द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और आज हम हैं पार्ट टू में। पार्ट वन में मैंने आपको इससे रिलेटेड बेसिक्स की प्रोविजंस बताए थे, ये एक्ट में क्या क्या एक्ट कंसोलिडेट हो गए हैं वो बताए थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट टू में, जिसमें मैं आपको और डिटेल्स में इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। सो ये था हमारा की प्रोविजन का पार्ट जो कि मैंने पार्ट वन में कवर कर दिया था। आई होप आपको वो पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और न्यू चीज़ें देखते हैं। सो अब हम बात करते हैं चैप्टर टू की। चैप्टर वन हमने पार्ट वन में कवर कर लिया था। चैप्टर टू में हम देखेंगे, जैसे चैप्टर टू बात करता है इस एक्ट का रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो हर वो एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर एटलीस्ट 10 वर्कर्स काम करें, 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जब काम करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन उस जगह पे होगा, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, तो अप्रेंटिसशिप जो होती है ना, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाती है उस जगह पर ये कोड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अप्लाईज कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि अगर माइंस एंड डॉक्स है तो वहाँ पे अगर एक वर्कर भी काम कर रहा है ना, तो वहाँ पर इस कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर ये 10 वर्कर का बात नहीं आएगा, ओके। एक वर्कर होने पे भी वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। डज नॉट अप्लाई टू ऑफिस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड शिप ऑफ वॉर। अच्छा, अब ये कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस होती हैं वहाँ पर नहीं होगा, और शिप ऑफ वॉर में, मतलब जो वॉर के लिए जो शिप होती है ना, वहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली वो आर्मीज़ के अंदर आ गई, और आर्मी नेवी इन सब के लिए तो अलग एक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, उस साइट का नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 7 डेज, ओके। सो ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कौन करेगा, तो इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इस श्रम सुविधा पोर्टल में जाकर कुछ स्टेप्स होते हैं वो करेगा, तो उसे अपने बिजनेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्प्लॉयर टू द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्लोज विद इन 30 डेज। अब अगर सपोज एम्प्लॉयर अपने एस्टैब्लिशमेंट को बंद करना चाहता है, तो बंद करने के लिए भी नोटिस देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिसर को देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर में, जब से ऑफिस या एस्टैब्लिशमेंट बंद होने वाला है उससे 30 दिन के अंदर में जो रजिस्टर्ड ऑफिसर जो भी होगा उसके पास जाकर एम्प्लॉयर को उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर शैल विद इन 30 डेज इंटीमेट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो एक्ट थे उसमें इंस्पेक्टर नाम था, अब यहाँ पर इंस्पेक्टर की जगह नाम हो गया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। सो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाएगा एम्प्लॉयर एंड EPFO एंड ESIC अबाउट कमेंसमेंट कम्प्लीशन सीजेशन ऑफ वर्क इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे पहले ऑफलाइन जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन एम्प्लॉयर अप्लाई कर सकता है अगर इस्टेब्लिशमेंट कमेंस हो रहा है यानी कि स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बंद हो रहा है, सीजेशन हो रहा है, रुक जा रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है, कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अब वो ऑनलाइन दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली दे सकता है, लेकिन विद इन 30 डेज देना पड़ेगा किसको, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को या फिर EPFO या ESIC। किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसे इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जाकर दे सकता है एम्प्लॉयर, लेकिन विद इन 30 डेज। अब नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस किस केस में कौन कौन होगा, सो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब, जब रेलवे की बात हो, माइंस की बात हो, ऑयल रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं वो हो, पोर्ट हो, एयर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस एक्सेट्रा हो, तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट कब रहेगा, जब फैक्ट्री की बात हो, स्टेट में जो फैक्ट्रीज होती हैं वो, मोटर ट्रांसपोर्ट, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर, बीड़ी, सिगार, इन सब की बात हो, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा उस टाइम पर, स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, सेंट्रल में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब होगा, अगर बात रेलवे, माइंस, ऑयल, पोर्ट, एयर, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस की हो। और स्टेट गवर्नमेंट कब होगा, जब फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर, बीड़ी सिगार की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। सो चैप्टर टू हमने देख लिया, अब हम चलते हैं चैप्टर थ्री की तरफ। सो चैप्टर थ्री में अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी है।
सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी, इशू अपॉइंटमेंट लेटर। मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि अब अपॉइंटमेंट लेटर देना एकदम मैंडेटरी हो गया है। तो कौन देगा अपॉइंटमेंट लेटर, तो एम्प्लॉयर देगा। एंड इन्फॉर्म अबाउट एक्सीडेंट, और जो भी ऑफिसर होंगे, रजिस्टर ऑफिसर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, उनको इन्फॉर्मेशन देगा अगर सपोज कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स के साथ, तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, रजिस्टर्ड ऑफिसर को। तो कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी एम्प्लॉयर। फिर है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की क्या ड्यूटी है, सो टेक केयर ऑफ ओन हेल्थ एंड राइट टू इन्फॉर्म। एम्प्लॉई को या फिर वर्कर को अपना मतलब हेल्थ का जिम्मेदार खुद रहना पड़ेगा, उसे खुद अपनी परवाह करनी पड़ेगी। और राइट टू इन्फॉर्म, कोई भी न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है, कुछ भी आता है, तो उसका राइट है एम्प्लॉई का कि उसे इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब अभी भी ये ड्यूटी हो गई एम्प्लॉयर की कि कोई भी न्यू रूल आए तो वो एम्प्लॉई को जाकर बता दे, क्योंकि ये उसका एम्प्लॉई का राइट है जानने का। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी कमेटी की। सो हमने देखा था कि ओएसएससी कोड में सेफ्टी कमेटी बनानी है। सो कब बनेगी, अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर हो तब सेफ्टी कमेटी बनेगी। अगर माइन रिलेटेड हो तो वहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर होने पर सेफ्टी कमेटी बनेगी। क्यों, क्योंकि माइन जो है वो बहुत ही डेंजरस काम है, ठीक। माइन में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 100 वर्कर या उससे ज़्यादा होंगे तभी सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी, और ऐसे नॉर्मल में 500 या उससे ज़्यादा। अगर कोई हैजर्ड प्रोसेस है, डेंजरस प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल रिलेटेड, तो वहाँ पर 250 वर्कर्स होने पे सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी। और अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इस टाइप का काम है तो वहाँ पर 250 वर्कर होने पर सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी। ओके, सो अब हम इस एक्ट के लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पेनल्टी। सो ये बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये एक्ट अच्छा लगा, इससे रिलेटेड एक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट क्लियर होना हो तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि आप कैसे मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं पेनल्टी। सो पेनल्टी में क्या है, डेथ ऑफ एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई या वर्कर की डेथ हो जाती है तो जेल होगा 2 ईयर्स के लिए, या फिर 500,000 जुर्माना, या फिर बोथ। ओके, और 50% फाइन जो है, यानी ये जो 500,000 जुर्माना होगा, इसका 50% 2.5 लाख किसे जाएगा, विक्टिम को, यानी जो एम्प्लॉई जिसकी डेथ हुई है उसे जाएगा। देन ऑब्स्ट्रक्शन टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है, अगर उसके काम में बाधा दिया जाता है तो पहली बार अगर ये काम किया जाए, ये गलती हो, तो जेल होगी 3 मंथ्स के लिए और 1 लाख रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों। और अगर सेकेंड बार सेम काम होता है, सेम गलती सेकेंड टाइम, तो जेल हो सकती है 6 महीने की, या फिर 2 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों। देन अगर रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, ये सब मेंटेन नहीं हुए, ये मेंटेन करता है एम्प्लॉयर, अगर ये मेंटेन नहीं होते हैं तो 50,000 का जुर्माना से लेकर 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अगर एम्प्लॉय या वर्कर ने कुछ गलती करी हो, वो अगर कोई रूल्स वायलेट करता है, तो उसे 10,000 का जुर्माना लगेगा। एंड जहाँ पर पेनल्टी नॉट स्पेसिफाइड, पेनल्टी के बारे में नहीं बताया गया है, कोई अगर ऐसा केस हो तो वहाँ पर 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पेनल्टी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि MCQs में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों OSSC कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको बेसिक्स जितने भी चेंज हुए हैं वो सब बताने की कोशिश करी है, ठीक है। हम एक्ट के पूरे इन डेप्थ नहीं गए हैं, डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन जो जितना भी समझने के लिए ज़रूरी था, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई कि ये एक्ट में ये चीज़ें नहीं आई हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। ऐसे तो सेक्शंस बहुत सारे हैं, जो एक्ट हम बेसिकली पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन चेंजेस ये सब हुई हैं जो मैंने आपको बताई है। पेनल्टी में चेंजेस है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और अगर आपको न्यू कोर्ट्स और चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।